पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयानबाजी से पैदा हुए विवाद के बीच भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC को फटकार लगाई है। भारत ने OIC की टिप्पणियों को खारिज करते हुए उनको अनुचित और संकीर्ण सोच वाला बताया है। भारत का ये पलटवार ऐसे वक्त में सामने आया है जब केंद्र में सत्तारूढ़ BJP ने 5 जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। नुपुर इन दिनों पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित अपमानजनक बयान देने की वजह से विवादों से घिरी हुई है। नुपुर के अलावा BJP ने दिल्ली यूनिट के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक OIC ने भारत में अल्पसंख्यकों के सिस्टमैटिक हैरेसमेंट का आरोप लगाकर चिंता जताई थी। OIC के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट की ओर से भारत पर बयान लिखा है। भारत सरकार OIC सेक्रेटेरिएट की अनुचित और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। बयान में इसके आगे कहा गया है कि एक धार्मिक व्यक्तित्व को बदनाम करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ व्यक्तियों की ओर से की गई थी, वो किसी भी रूप से भारत सरकार के विचारों को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। संबंधित निकायों की ओर से इन व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने OIC सेक्रेटेरिएट के बयान को भ्रामक बताते हुए कहा है, ये केवल निहित स्वार्थों के इशारे पर अपनाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करता है।